माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्टली वेलकम ऑन योर चैनल स्टडी फॉरन। इफ यू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम रमेश एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉरन। टुडे आई विल डिस्कस विद यू सम ट्रिक्स। तो ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो ट्रिक की दुनिया में स्वागत है दोस्तों आपका। ट्रिक कभी काम आता है, कभी नहीं आता है। तो अगर आप ट्रिक का लगातार यूज करते हैं तो वो जरूरी काम आएगा। तो हम ट्रिक को कहाँ यूज करें? तो सबसे पहले जब हम मैथ के कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं। आज मैं दोस्तों बताने वाला हूँ कि भाग देने का एक अचूक तरीका, यानी डिवीजन का अचूक मैथड। ठीक है, एक ऐसी मैथड से हम लोग डिवीजन करेंगे जो हमें हर समय एक लंबे लंबे भागों को आसानी से डिवीजन करने सिखाएगा। तो बने रहो दोस्तों हमारे साथ। तो लेट्स सो गाइज, वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ एक छोटी सी क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ 112 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो बड़ी आसान चीज़ है 112 को 7 से डिवाइड देना। आप जानते होंगे 16 7 112। लेकिन इसी में छोटी सी क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए इसको समझिए कि स्टेप क्या है, उसके बाद मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं 112 को 7 से डिवाइड दूंगा, अगर मुझे नहीं पता कि कैसे भाग लग रहा है, तो मुझे 7 का जो पहाड़ा मन कर रहा है वो पढ़ दीजिए। ठीक है, जो मैंने वो जो आपको आसान लगे। तो हम जानते हैं 7 10 का कितना होता है, 7 गुना 10 कितना होता है 70, और मेरा यहाँ कितना है 112। तो 112 है जिसमें हम 7 10 बार पढ़े, 7 को अपने मन से जितना मन पढ़ दीजिए। तो जितना मन पढ़ दिए तो हम 70 तक पढ़े, 7 10 का 70, तो 112 है और 70 तक हम ले लिए। तो बचा कितना दोस्तों, 42। अब इस 42 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। इस 42 बचा 7 से, तो 7 6 42। तो पहले कितना में दिए थे, 10 बार में, फिर कितना में, 6 में। तो टोटल मेरा डिवाइड के आंसर क्या हो जाएगा, 16। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 2 5 5 0 किससे डिवाइड करेंगे, एक ऐसी नंबर जिसका पहाड़ आपको पता ना हो, 17। ठीक है, 17 ऐसी नंबर, 17 19 23 ऐसे नंबर लेंगे तो पहाड़ आपको जल्दी से याद नहीं रहता ये सब चीज़ों का। ठीक है, बहुतों को रहता है फिर भी इतना कितना करेंगे। तो 17 को हमको इससे डिवाइड करना है, कितना है मेरा 2500, और यहाँ कितना है 17। तो डायरेक्ट हम कितना कर सकते हैं, 1700 कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 17 को मैं 100 से गुना कर रहा हूँ तो मेरे कितना हो गए, 1700। तो 2500 50 और 1700, हम 1700 तक ले चुके हैं इस 2550 में। तो बचा कितना, 1700 और 300 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, और इधर 550, तो इधर का 300 और इधर का 550, तो कितना हो गए, 850। यानी आपके सामने अभी बचा कितना है, 850। आप 17 का पढ़ा, 100 बार पढ़ के आप 1700 ले चुके, आप 100 ले चुके, तो आपके सामने बचा 850। अब इस 17 का पढ़ा को कितना बार पढ़ेंगे, हम जानते हैं 17 5 50 ही, यानी इस 50, तो कितना होगा मेरा 150। तो ये कितना बार में कटेगा, 150, है ना। आपको हो सकता अभी हार्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन यूज कीजिए, आसान रहेगा। चलिए और कोई संख्या लेते हैं, सबसे पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कोई और एक नंबर ले लेते हैं अपने मन से, 2990। अगर मैं इसको डिवाइड कर देते हूँ कोई ऐसी नंबर जिसका हम लोग पहाड़ा जानते ही नहीं है, ठीक है, 23। तो आपको इसे डिवाइड करना, आप 23 का पहाड़ा जितना मन उतना पढ़िए ना, आप 23 का पहाड़ा उतना तक पढ़िए। अगर हमें 23 को 100 से गुना कर दे रहे तो मेरे सामने कितना होगा, 2300 हो गया ना। यानी हम 23 का 100 तक पहाड़ा पढ़ के हम 2300 तक कर चुके हैं ना। तो 2300 से कितना ज़्यादा है, 2300 से 23, और बचा कितना, 690। 23 6 29 होगा ना, यानी बचा कितना, 690, है ना। फिर इसको 23 से डिवाइड करना है, यानी 23 दिया होता है, 23 दिया होगा ना,
3 3 जै 9, 3 2 जै 6 और 0 का 0, यानी 23 30 का कितना हो जाएगा मेरा 690। यानी पहले हम 100 में दिए थे तो 2300 हुआ था, और बचे संख्या को फिर हम किससे दे दिए 30 से, तो हो गया मेरे कितना 130। यानी ये पूरा नंबर को आसानी से किससे डिवाइड दे 130 से, आसानी से हो जाएगा सारे के सारे दोस्तों नंबर। डिवाइड करने में जो पंगा था ना कि किसका पहाड़ पढ़े कितना तक पढ़े, अब इसको देखिए इसको कहाँ तक पढ़ेंगे हम, 23 का पहाड़ हमको याद रहेगा तब तो पढ़ेंगे हम इसको। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं हम आसानी से सारे के सारे चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए अपने मन से, 2 4 5 7, इसको किससे डिवाइड कर देते 19 से कर दिए हम, 21 से कर देते हैं, ठीक है। तो 21 से, तो हमको पता है दोस्तों 21 के कहाँ पहाड़ा कितना बार तक पढ़ेंगे, नहीं तो अपने मन से कर दीजिए 21 100 का तो जाएगा ही। देखिए दोस्तों आपको घटाओ अच्छी तरह आना चाहिए और कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। 21 100 का हम जानते हैं 2100 होता है, तो 2457 में 2100 घटा देंगे तो मेरे सामने बचता कितना है 357। अब इस 357 को हमको देखना है, तो 21 का पहाड़ा हम कितना तक पढ़े, 21 का पहाड़ा हम जानते हैं 10 तक पढ़ने से 210 होता है, तो 21 का पहाड़ा फिर हम 10 तक पढ़ दिए तो 210 होता है, तो घटेगा कितना 357 में 210 जाएगा तो 147। अब हमको 21 का पढ़ा 147 तक पढ़ना है, 147 तक हमको नहीं पता 21 का कितना में 147 होता है, तो और कुछ ले लीजिए 21 का पढ़ा 5 तक पढ़ दीजिए, तो 5 1 5 5 2 10 यानी 105 हम और ले लिए, तो घट के कितना हो जाएगा 7 में 5 गया तो 2 14 में 10 गया तो 4। अब 42, अब 21 का जानते हैं 21 दूना कितना होगा 42, 2 1 के 2 और 2 2 4 यानी 21 दूना 42 और फाइनली 2, तो मेरा आंसर कितना होगा 110 5 7 यानी 117, यानी ये इससे किससे कटेगा 117। तो जितने अच्छे से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आप लोग सारे के सारे चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है, और उतना ही आसान होगा। तो ये है डिवीजन को स्टेपली तोड़ा हुआ, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, ठीक। तो डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ के मैं आपको डिवीजन करने सिखा रहा हूँ, ठीक। कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो मैं इसे जोड़ना ही बताया, एकदम ध्यान से समझिए, एक घटाने वाला भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई एक नंबर ले रहे हैं 3 2 3, इसीलिए मैं कोई ऐसा नंबर ले रहा हूँ जिसका पहाड़ा जान नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 2 3 को 19 से डिवाइड करूँगा तो हम लोग जानते हैं कि 19 10 से कोई नहीं जानेगा, ऐसा थोड़ी 19 10 से कोई नहीं जानता है, 19 10 से कितना होगा 190 होगा ना। अगर मैं 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, तो 19 2 38, तो 38 से 19 का पहाड़ा 20 तक पढ़ देते हैं, तो 19 2 कितना होता 38, यानी 380 में ले चुका हूँ, है ना। और हम मेरे यहाँ कितना है, यानी मैंने इससे ज़्यादा पढ़ दिया है ना, इससे ज़्यादा ले लिया हम 19 20 का, हम बोले थे ना जितना मन उतना पढ़िए, है ना, तो इससे इस बार ज़्यादा पढ़ दिया हम, ठीक है। यानी इस बार हम 19 को जितना मेरा डिवाइड करने के लिए जितना नंबर लेना चाहिए था उससे ज़्यादा ले लिए हम लोग, तो 19 20 का 380, तो ये बड़ा है इससे ना, तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो देखना है, जितना ज़्यादा उतना घटा देंगे हम लोग, इससे नहीं घटा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है इधर 23, तो इधर कितना हो जाएगा 7 और 50, और होने से 30 हो जाएगा 7, यहाँ 7 मिला देंगे 30 और 50 जोड़ेंगे तो 80, यानी मेरे सामने 57, तो ये -57 क्योंकि ये ज़्यादा है। तब इस 57 को हमको क्या करना है, 19 से डिवाइड करना है, तो हम जानते हैं कितना 19 3 57, तो -3, अब हम मेरा कितना था 20 लिए थे तो मेरा ज़्यादा हो रहा था, तो इस -3 कर देंगे तो ये कितना हो गया 17, यानी 19 17 का हो जाएगा मेरा कितना 323। आप कैलकुलेट खुद ही करके देख लीजिए, अगर आंसर ना मिले तो हमको बताइए। और दोस्तों इसी प्रकार के अजब-गजब ट्रिक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मैं आपको मैथ को इतनी आसान बना दूंगा, ठीक है, कि हर ट्रिक को जानने के लिए और अजब-गजब ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो जनरल यूज होता है, जो ऐसा नहीं कोई फंडा याद रखना होगा, आपको कैलकुलेशन का एक ऐसा प्रोसेस सिखा दूंगा कि आपका सारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ।